नमस्ते नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। तो चलते हैं वापस अपने विज्ञान की ओर और आज क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज लेकर आए हैं अपने शरीर के बारे में। हमारे शरीर में हमें खड़ा रखने के लिए जो सबसे ज्यादा काम आता है वो क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रीढ़ की हड्डी भी किसी से तो जुड़ी हुई है, तो उसमें क्या आता है, हमारा है कंकाल तंत्र। ये मांस, ये हमारी जो इतनी सारी मांसपेशियां, ये कुछ ना कर पाती अगर हमारे पास एक हड्डियों का ढांचा, एक फ्रेमवर्क ना होता। तो आज उसी फ्रेमवर्क यानी कि हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इधर ध्यान दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र पे। देखिए, कंकाल तंत्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें तो क्वेश्चन ये अराइज होते ही होते हैं। साथ के साथ आपको अपनी बॉडी के बारे में भी बहुत ज्ञान मिलता है कि आपको किस तरीके से बैठना है, आपको अपनी बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है, किस तरीके से कहाँ कौन से जॉइंट में क्या क्या हड्डियाँ प्रेजेंट है और क्या क्या वो आपको नुकसान पहुँचाती है। तो अगर आप साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अपने आप के एक डॉक्टर बन जाते हैं। तो चलिए आते हैं कंकाल तंत्र पे। तो सबसे पहले, क्योंकि हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं यानी हम स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। तो जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि उसकी स्टडी को कहते क्या है। तो स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे आते हैं। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम यानी जो फ्रेमवर्क है, हमारा ढांचा है, वो हड्डियों का बना हुआ है। तो हमें हमारी हड्डियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उस पे चिपका हुआ जितना भी आगे मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं ऊपर नीचे, उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो आते हैं इनकी गिनती के ऊपर। टोटल बोन्स, हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की बात की जाए तो वो कितनी होती है, 206 होती है। तो चलिए हड्डियों पे आते हैं। जब एक शिशु की बात की जाए, एक छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि छोटे बच्चे के, 2 महीने से पहले के बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं क्योंकि वो हड्डियां छोटी छोटी होती हैं। धीरे धीरे वो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और लंबाई पकड़ लेती हैं और वो किस में रिड्यूस हो जाती है, केवल 206 बचती है। तो आप टोटल बोन्स जरूर याद रखेंगे। आते हैं मसल्स, यानी हमारी बॉडी में टोटल कितनी मांसपेशियां हैं, तो आप याद रखेंगे 656 मांसपेशियां हैं हमारी बॉडी में, 656 मसल्स हैं। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है कि अगर हम हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि हमारा स्केलेटन सिस्टम जो कि बोन से मिलके बना है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो मूवमेंट हो पा रही है, इधर जॉइंट है तो ये मूवमेंट इतने फ्लेक्सिबल कैसे है, ये गर्दन किस तरीके से घूम रही है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ जॉइंट प्रेजेंट है। अब अगर जॉइंट प्रेजेंट है तो ये अलग क्यों नहीं होते, ये हाथ अलग क्यों नहीं हो जाते इतने पोर्शन से, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक पतले से धागे से। तो वो जो रेशेदार धागा है पतला सा, उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिस पतले से थ्रेड से जुड़ी हुई है, उस थ्रेड को हम लिगामेंट कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे बोन्स के साथ मसल्स, चाहे वो हाथों की मसल्स हो, पैरों की मसल्स हो, या पूरी बॉडी में हमारे मसल्स स्प्रेड हैं, तो वो किससे अटैच होती हैं, हड्डी में मसल्स किसके जरिए जुड़ पा रही है, तो उसका नाम है टेंडन्स। यानी बोन अगर मसल से जुड़ रही है तो टेंडन, और बोन अगर बोन से जुड़ रही है तो लिगामेंट। जरूर ध्यान दीजिएगा। स्केलेटन सिस्टम पे आते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए किस तरीके के स्केलेटन सिस्टम है ये, एक्सोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन। जैसे इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, यानी बाहरी आवरण जिसका स्केलेटन सिस्टम ही बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉकरोच को उल्टा कर देते हैं तो उसको आपको उसका पूरा का पूरा ढांचा नजर आने लग जाता है, स्केलेटन सिस्टम, पूरी हड्डियां फैली हुई दिखने लग जाती हैं। तो इसका मतलब जितने भी टर्टल्स और कॉकरोचेस होते हैं उनमें कैसा स्केलेटन सिस्टम होता है, उनका बाहरी या फिर एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। अब आते हैं एंडो पे। एंडो मींस इनसाइड, और इनसाइड में किस किस के होते हैं, देखो हम ह्यूमन बॉडी हैं, जितने भी मैमल्स हैं या शार्क की बात करें, हमारी बॉडी में सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, मांस दिखाई देगा, मसल्स या स्किन दिखाई देगी। तो फिर अंदर क्या है, अंदर के हड्डियों का ढांचा नहीं है, बिल्कुल है, पर वो कैसा है, छिपा हुआ है, ठीक है, हाइड है अंदर। तो ये कैसा हुआ, एंडोस्केलेटन। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे, केवल एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन किससे मिलके बना है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले बोन, जिन्हें हम हड्डियां कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो 206 होती है एक व्यस्क में, और कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस जिसे
जिसे हम उपास्थि कहते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये कार्टिलेज होते क्या है। तो कार्टिलेज एक तरीके की बोन ही है, आप इसे सॉफ्ट बोन कह सकते हैं। सॉफ्ट बोन इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी ना फ्लेक्सिबल होती है। जैसे आप एक कान देख पा रहे हैं, इस आउटर पार्ट को हम पिन्ना बोलते हैं। ये पिन्ना बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं इसे मोड़ पा रही हूँ, लेकिन ये जो आपकी आम है इसके बीच वाले हिस्से को मैं मोड़ नहीं पा रही। ये जो ज्वाइंट है वो अलग चीज है, लेकिन मैं इसको सेंटर से नहीं फोल्ड कर पा रही। तो जो बोन होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन कार्टिलेजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसको ब्रेक करना बड़ा आसान होता है। अगर आप इसे जोर के प्रेशर के साथ दबा दें तो ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट है, जैसे आप देख पा रहे हो नोज के यहाँ पे मूवमेंट होती है, तो ये भी कार्टिलेज है इसके अंदर। कानों में भी कार्टिलेज है। ये जो आपकी विंड पाइप होती है ट्रैकिया, इसमें भी कार्टिलेज होते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं बोन्स और कार्टिलेज के बारे में कि कैसे ये हमारी पूरी बॉडी में डिवाइडेड है। तो चलिए आगे आते हैं स्केलेटन पे। स्केलेटन को दो अलग अलग पार्ट में फर्दर कैसे डिवाइड किया है, ये तो इसके टाइप थी कि एक हो गया एक्सो और एक हो गया एंडो। अब देखो किसमें आना है, एक्सियल और एपेंडिकुलर, मतलब दो टाइप के स्केलेटन, एक हो गया अक्षीय और दूसरा क्या होगा अनुबंधीय। तो अब इसके बारे में देखिए आपको क्या देखना है, जो मैं एनसर्कल कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सियल यानी अक्षीय और अक्षीय में टोटल बोन्स टोटल हड्डियां कितनी है, तो वो है 80 हड्डियां। और एपिडर्मल की बात की जाए तो जिसे हम अनुबंधी स्केलेटन या अनुबंधी कंकाल तंत्र बोलते हैं, उसमें टोटल 126 बोन्स है। अभी पिक्चर आएगी, आप पिक्चर के जरिए भी पढ़ेंगे, पर पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में ये बोन डिवाइडेड कहाँ कहाँ है, हमारे शरीर के किस हिस्से में एक्सियल बोन है और किस में एपिडर्मल है। तो जल्दी इधर ध्यान दीजिए और आते हैं हम पहले एक्सियल को डिस्कस करने वाले हैं, यानी हमारी जो खोपड़ी, ये जो स्कल वाला हिस्सा है, इस हेड में हमारे 29 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम है ये। वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं, केशरुकाएं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है जिन्हें हम वर्टिब्रेस बोलते हैं। वर्टिब्रेस की बात की जाए तो एक बच्चे में 33 होती है, जो छोटी छोटी वर्टिब्रेस मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड तैयार होती है, वो 33 वर्टिब्रेस होती हैं। लेकिन अगर एक व्यस्त मनुष्य की बात की जाए, बड़ों की जाए, तो उसमें 26 पीसेस होते हैं उन वर्टिब्रेस की। आगे आते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रिब केज। अब रिब केज में एक्चुअल में जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं तो वो पेयर्स में होती है, 12 पेयर्स में। लेकिन एक कैसा पेयर होता है जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो अटैच नहीं होता, वो हवा में होती है, ठीक है। तो टोटल जाके कितनी बोन्स बनती है, वो 25 बनती है। तो अब पढ़ते हैं अनुबंधीय की। तो अनुबंधीय कंकाल तंत्र की हड्डियां देखिए कहाँ कहाँ है, शोल्डर, दोनों शोल्डर है, दो इधर और दो इधर, तो टोटल कितनी हो गई, 4। हाथों की बात करें तो दो है हमारे पास, एक में 30 और एक में 30, तो कितनी हो गई, 60। और हिप बोन में भी कितनी बोन्स होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। लेग्स की बात करें तो 60, 30 एक लेग में और 30 दूसरी लेग में। अब इसको हम पिक्चर के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आपको दो कलर दिख रहे हैं, एक आपको स्काई ब्लू और एक स्किन कलर है। तो जो स्काई ब्लू है वो आपको एक्सियल स्केलेटन शो कर रहा है, जबकि जो स्किन कलर है वो आपको कौन सा शो करेगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन शो करने वाला है। तो आप ये देखिए यहाँ से इमेज से आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं कि हेड से शुरू होता हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं 29 बोन्स हैं, तो स्कल से शुरू होते हैं फ्रंटल बोन, नसल बोन, ये जो हमारी नाक की कैविटी है, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इसके नाम भी याद कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नाम नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि ये स्टर्नम हो गया, आप बीच में सेंटर में देख पा रहे हैं चेस्ट बोन के बीच में जो पार्टीशन है, और जो रिब्स हो गई, मोस्टली इन्हीं के नाम आते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन में पुटअप होते हैं एग्जाम में, आप उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट में जहाँ से आपका हिप बोन शुरू होता है वहाँ इसकी एंडिंग हो रही है, तो आप इसको सैक्रम लर्न करेंगे जरूर। और अब आते हैं अपना एपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपके शोल्डर से शुरू होता हुआ, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के नाम में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप शोल्डर से शुरू होता है, देखते आइए कि कहाँ कहाँ इसका पोर्शन जा रहा है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में किस तरीके से बोन्स डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है पिक्चर से, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, नोट्स बनाते हुए जरूर इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे के लिए सेव कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।